जेनी हैज नेवर बीन अब्यूजिव, उसने कभी कोई गाली गलौच नहीं की है, कभी बुलाते नहीं थे, तीन तीन चार चार महीने बुलाते नहीं थे. शी हैज क्राइड अ लॉट, आई हैव सीन अ क्राइंग अ लॉट, आई हैव गिवन माय स्वेट एंड ब्लड टू दिस शो. दोस्तों तारक मेहता शो अपने अंतिम पड़ाव पर है और जल्दी बंद हो जाएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो. दोस्तों तारक मेहता शो को 14 साल डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर मालव राजदा ने जेनिफर और असित मोदी को लेकर कई खुलासे कर दिया है जो सुनकर आप चौंकने वाले हैं, और साथ में ये भी खुलासा किया है कि 14 साल डायरेक्ट करने के बाद शो क्यों छोड़ दिया. दोस्तों आगे आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर ले ऐसी और अपडेट पाने के लिए. दोस्तों घर घर में लोकप्रिय तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो अब विवादों की सुर्खियां बटोर रहा है और डेली नई और बुरी खबर भी सुनने को आ रही है. जेनिफर और मोनिका ने तो पहले ही असित मोदी पर उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है, लेकिन अब पूर्व डायरेक्टर ने जेनिफर का सपोर्ट करते हुए कई खुलासे कर दिया है जिसमें खुद पर और जेनिफर हुए टॉर्चर की कहानियां बता रहे हैं. दोस्तों कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताइएगा. चलिए वीडियो सुनाते हैं. और कहीं ना मेरा इससे इमोशनल कनेक्ट छूट गया था फॉर व्हाटएवर रीजंस, जो अब मैं नहीं बोलना चाहता हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट मेरे सामने जेनी हैज नेवर बीन अब्यूजिव, उसने कभी कोई गाली गलौच नहीं की है. वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हुआ करती थी क्योंकि उसके साथ उसको लगता था बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, उसको कभी बुलाते नहीं थे, तीन तीन चार चार महीने बुलाते नहीं थे. उसने बहुत बार बात की है कि क्यों मेरा ट्रैक नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हुई है, यू नो, शी हैज क्राइड अ लॉट, आई हैव सीन अ क्राइंग अ लॉट, आई हैव गिवन माय स्वेट एंड ब्लड टू दिस शो, जेन्युइनली ब्लड भी, क्योंकि सेट पे जाते जाते मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज, यू नो, मेरे पैर पे सर्जरी हुई है तो मैं शूटिंग पे ही जा रहा था. सो यू नो आई हैव